कराती है नंदगांव। सुबह सुबह नंदगांव प्रिया जी आती,
के रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार प्रिया जी का स्मरण कर रहे हैं। महात्माओं की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि या तो स्मरण स्वप्न में स्फूर्ति होती है, जिस वस्तु का हम लोग चिंतन करते हैं तो चिंतन करते करते वह वस्तु सामने उपस्थित हो जाती है। तो श्रीपाद प्रिया जी का स्मरण करते करते ऐसा लगता है कि प्रिया जी साक्षात आ गए और उनका सानिध्य मिल रहा है। और परम आकांक्षी होकर के जब प्रिया जी सामने आ गई तो उनका रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ मंदिरियों को प्राप्त होने लगता है। लगता है कि प्रिया जी सामने साक्षात आ गए और कृष्ण के रंधन हेतु स्वामी जी उत्कट अभिलाषा बड़ा लाड़ प्यार से चल रही है और कितना सुंदर स्पष्ट कर स्पष्ट वर्णन कर रही है। प्रिया जी का महात्मा लोग चिंतन करते करते उस स्वरूप का स्मरण करते हैं और लगता है कि प्रत्यक्ष हो गए। गोवर्धन कृष्णदास सिद्ध बाबा थे तो वो स्मरण करते थे और स्मरण करते करते लगता था प्रिया जी उनके सामने आ गए। खास करके ललिता जी सनातन गोस्वामी पाद उनको आकर के दर्शन दे देते थे। कहते हैं हाहा प्राणेश्वरी कुंद लता खड़े धरी। देखिए कृष्णदास सिद्ध बाबा कैसा स्मरण कर रहे हैं प्रिया जी का कि कुंदलता सखी प्रिया जी के हाथ को पकड़ करके नंदगांव के लिए अभिषेक कर रहे हैं और ललिता दी सखी संगे गमन करिभरंगे। ललिता सखी के साथ रंग कहते हैं आसक्ति जो, अरे जिसके साथ रह रहे हैं उसमें मन भी लगाना चाहिए क्योंकि शरीर से काम नहीं चलता तो उनका मन रंग भी लगा हुआ है। ललिता दी सखी संगे गमन करीब रंग सेवा में कितनी उत्तरोत्तर वृद्धि है, उत्तरोत्तर चाह है। लैया जाबे जल जाए प्रिया जी के साथ जब सखियां विचार करती है तो साथ में जल रखते हैं, प्रिया जी को जल की आवश्यकता पड़ जाए। प्रिया जी जाते समय बातचीत करते चलती हैं, ललिता विशाखा बीच में है तो उनसे बात करेगी श्री कृष्ण के विषय कतु रंग रस कथा, रसमय कथा प्रिया जी अपनी सखियों के साथ करती हुई जा रहा। गमन करीब रंग चल रही हैं और रसमय कथा चल रहा है अर्थात सत्संग चल रहा है। चलते चलते प्रिया जी कृष्ण के स्मरण करते हैं, उनके साथ बीते हुए समय का याद करती हैं। अब पाछे लैया जाब जल जाए सखी संगे हरस करी, सखियों के साथ प्रसन्न होकर के वे चलती हैं और चलते चलते वे कहती हैं इस प्रकार। प्रिया जी जब श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं उनके चिंतन करती हैं तो चिंतन करने मात्र से ही उनका अंग रोमांच शरीर पुलकावली युक्त हो जाता है, अंग पुलकित अति अंग बिल्कुल पुलकित हो जाता है। और चलते चलते जब श्री कृष्ण की याद आती है तो उनका पैर लड़खड़ाने लगता है, कभी आगे पैर चलता है कभी पीछे, कभी सखी मंदिरियां उनको पकड़ करके चलती हैं। स्खलित हैव गति है कृष्ण सुख अनुभवचित, उनके मन में केवल एक ही विचार चल रहा है कि मैं प्यारे को कैसे प्रसन्न रखूं, आगे जाकर क्या करूं, उनको कैसे सुखी करूंगी। देखिए सखियों का जो स्वरूप है कि केवल तत्सुख सुखित्व, प्रिया जी का विचार करना प्रिया जी का चलना केवल कृष्ण सुख के लिए होता है। खास करके बहुत बड़ा आनंद का विषय होता है जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के लिए प्रिया श्याम सुंदर की सेवा के लिए जब चलती हैं तो महाराज उनको बहुत आनंद बहुत सुख मिलता है। कृष्ण सुख हेतु जब जा रही हैं और प्रेम का स्वभाव भी यही है कृष्ण सुखय के तात्पर्य कृष्ण को प्रसन्न करना, उनका चलना, भक्तों का चलना बोलना टहलना उसका एक लक्ष्य है, अपने प्यारे को प्रसन्न रखना। खास करके प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं प्रेमी का तीन लक्षण,
प्रेमी महापुरुष क्या करते हैं तो कहते हैं कि कृष्ण की अनुकूलता या सुख विधानी प्रीति की आत्मा। भक्तों के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसका लक्ष्य केवल ठाकुर भक्त भगवान को प्रसन्न करना, प्रेम करना। ये इच्छा ही प्रीति की आत्मा है। यदि हम अपने प्यारे की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते समय यदि उनकी प्रीति विधान नहीं है तो वो सेवा किसी काम का नहीं। सेवा का मतलब है प्रेम। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण ही प्रीति की आत्मा, प्रेम का आत्मा श्री कृष्ण, और कृष्ण सुख के लिए अनुगत रूप में प्रीतिमान। और तीसरा है कृष्ण के सुखी होने के लिए प्रीतिमान को सुख होना। ये तीन प्रेम का स्वभाव बताते हैं। इसका अर्थ, इसका मतलब है कि तद कुल्यानुगत तत्स्नेह। हमारे जो भी साधन चल रहा है तो साधन के पहले एक बार देख लेना पड़ता है कि हमारा साधन अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहा है। हमारी क्रिया से, हमारी बात से, यदि भक्त कहीं चलता है, बोलता है या कहीं कुछ करता है तो उसका एकमात्र यही लक्ष्य होता है कि हमारा प्यारा प्रसन्न है कि नहीं। तो ये प्रेम का साधारण अर्थ है। यही सुखमय विविध सेवाओं की वांछा। अपने प्यारे के लिए हम क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, नित्य प्रति ये उत्कट जो अभिलाषा बनी रहती है भक्त के हृदय में, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण सुख हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, यह यदि लक्ष्य चल रहा है तो काम। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं प्रीति विषयानंद तद श्रेयानंद। ये दो बात, विषयानंद हमारा विषय कौन है तो श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्त सुबह से शाम तक जो भी क्रिया करता है तो मन में केवल यही वांछा बनी रहती है कि हमारी क्रिया से ठाकुर जी प्रसन्न है। तहा नाही नीच सुख वांछा रसमन। हम प्रसाद भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय केवल यही भावना रहती है कि हमारे भोजन से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे कि नहीं, अर्थात उनके सुख विधान के लिए। इसी को कहते हैं निरुपाधि प्रेम। जहाँ तहाँ ये कोई उपाधि नहीं है, प्रेम में कोई बाधा नहीं है, स्वतः प्रेम बढ़ता रहता है। प्रति विषय सुख आश्रय रूपी। खास करके स्वामी जी सुखमय श्री कृष्ण को सुख आस्वादन कराते रहते हैं। प्रिया जी का प्रत्येक क्रिया अपने प्यारे की प्रसन्नता के लिए होती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि संसार में बहुत कम लोग हैं जिनका प्रत्येक क्रिया कृष्ण के प्रति की। खास करके हम लोग जिस जहाँ हैं रागानुगा भक्ति जिसको कहते हैं, तो हम कुछ भी कर रहे हैं हमारा अपना सुख नहीं, अपने प्यारे का सुख। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो उन्हें सुखी करना चाहते हैं, कोई नहीं। मथुरा का कोई भी व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो थोड़ा अपना भी सुख देता देखता है और भगवान का सुख देता है। ये भक्त नित्य परिकरों की बात है, साधारण भक्तों की तो बात ही दूर है। जैसे हम लोग हैं तो अपना ही सुख मुख रख लेते हैं, हमको जो पसंद है वही काम करें, भगवान की प्रसन्नता नहीं देते। इसीलिए संसार में केवल ब्रज गोपियों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। ब्रज गोपियाँ खाती हैं, सोती हैं, पानी पीती हैं, किसी से चर्चा करती हैं, बात करती हैं, तो उनका एकमात्र लक्ष्य है अपने प्यारे की प्रसन्नता। हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस समय मन में सोचना चाहिए क्या हमारी बात से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, और यदि नहीं प्रसन्न तो उसी बात से क्या होता है। ये केवल न ऐसा रुक्मिणी महारानी है न मथुरा का कोई भक्त है, केवल ब्रज गोपियाँ ही हैं कि केवल कृष्ण सुख के लिए ही सब कुछ काम करते हैं। यदि कृष्ण का सुख नहीं है तो काम कभी नहीं करते।
यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे संसार को आनंदमय करता है। भगवान कहते हैं अमा होते आनंदित होय त्रिभुवन, इस संसार का प्रत्येक प्राणी हमसे आनंदित हो रहा है। मैं उसको जल देकर, पृथ्वी देकर, भोजन देकर के, सारा सुख सुविधा देकर मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रखता हूँ, और हमको तो कोई सुखी नहीं करना चाहता है। संसार को सब सभी जीवों को सुखी कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। आमा होते आनंदित होय त्रिभुवन, प्रत्येक प्राणी श्री कृष्ण से प्रसन्न हो रहे हैं, श्री कृष्ण ही आनंदित करते हैं। आमा के आनंद दिव्य आशे कौन जन, देखिए भक्ति भगवान भी चाहते हैं कि हमको भी कोई सुखी रहे। लेकिन संसार में भगवान सबके पास जाते हैं, सबको देखते सब स्वार्थी, अपने लिए मुझसे प्रेम करते। भगवान किसी के पास प्रकट भी हो जाए तो भगवान से ये अपना ही सुख मांगता है, भगवान का प्रीति पर बधा नहीं करता। तो भगवान के मन में विचार आया कि जो हमको प्रसन्न करेगा मैं भी उसकी प्रसन्नता रखूं। तो भगवान कहे कि आमा के आनंद दिव्य अच्छे कौन जन, इस त्रिभुवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको प्रसन्न कर। आमा होते जार होए सत सतगुण, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमको तो वही प्रसन्न कर सकता है जो हमसे अधिक गुणी हो। इस संसार में हमसे गुणी तो कोई है कोई है क्या? तो सी जौन आह्लादित पारे मोर मन, वही व्यक्ति हमको प्रसन्न कर सकता है जो हमसे सब कुछ में बड़ा, रूप में, गुण में, लीला में, सौंदर्य में, माधुर्य में, अरे सब कुछ से हमसे जो श्रेष्ठ होगा वही तो हमको सुखी कर सकता है। तो आमा है के गुणी बड़ो जगत असंभव, भगवान मन में विचार करने लगे कि हमसे अधिक गुणवान तो इस जगत में असंभव कोई है। सारे संसार को खोज लीजिए लेकिन भगवान जैसा बड़ा कोई तो है नहीं। तो मन में विचार किए एकली राधा चेता कर, एकमात्र ब्रजरानी राधा रानी ही है जो श्री कृष्ण से अधिक गुण धारण कर सब कुछ में प्रिया जी श्याम सुंदर से आगे। भगवान को कैसे खिलाया जाता है, कैसे सुलाया जाता है, कैसे स्नान कराया जाता है, भगवान से कैसे बात की जाती है, केवल प्रिया जी और कोई जानता है। भगवान कैसे प्रसन्न रहे हैं ये कोई जानता है। भगवान सब एकली राधा के तहा करी अनुभव, एकमात्र प्रिया जी राधा रानी है। इसलिए जो महाराज भजन की पद्धति है तो राधा रानी से चला है। श्री कृष्ण को हम लोग कैसे प्रसन्न रहते, खास करके राधा रानी की जो सखियां हैं, किशोरी जी की सखी हैं ललिता, विशाखा, तुम विद्या, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, रंग देवी, ये सब जितनी अष्ट सखियां हैं और एक एक सखी के फिर आठ आठ सखी हैं, 64 मुख्य सखी हो गए और फिर 64 की अनंत अनंत सखियां। तो सब सखियों का लक्ष्य एक ही, ब्रज की जितनी सखियां हैं ये सब प्रिया जी की प्रशंसा। सखियों का एक अपथ्य कहते हैं, सखी का एक स्वभाव है जो अकथ्य है, जिसका कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो गोपियों के प्रेम का वर्णन कर सके। अरे महाराज किसी के पास इतना वाणी में ताकत है न शब्द में इतनी ताकत है कि गोपियों के जो कैसे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, कितना बड़ी त्यागनी थी, कितनी बड़ी संन्यासिनी गोपियाँ थी, इसका कोई वर्णन कर नहीं सकता। न सुखदेव कर सकते हैं, न सनकादि कर सकते हैं, न शिव कर सकता है, न ब्रह्मा कर सकता है। यहाँ तक कि सारे संसार के आनंद स्वरूप श्री कृष्ण, कृष्ण से तो बढ़कर कोई नहीं है। और लेकिन कृष्ण सह निज लीला नहीं सके हुआ, देखिए कितनी बड़ी बात। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी वस्तु पर ललक क्या भजन क्यों करेंगे, थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए लड़ मरते हैं, घर मकान खाना पीना इसके लिए इच्छा। और गोपियों के पास इस संसार के सबसे बड़ा जो आनंद है श्री कृष्ण, कृष्ण से तो बड़ा कोई आनंद है। आओ श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलते हैं, गोपियों से बात करना चाहते हैं,
लेकिन कृष्ण सह निज लीलाएं नहीं सके, गोपियां चाहती नहीं कृष्ण हमसे बात करे, ऐसा कोई हो सकता है? ब्रह्मा भी बात कौन नहीं कृष्ण से बात करना चाहेगा? और साक्षात श्री कृष्ण गोपियों ललिता के पास, विशाखा के पास, तुम विद्या के पास, अरे मंजरियों के पास श्याम सुंदर आकर के कहते हैं थोड़ा हमसे बात कर लो, लेकिन गोपियां कहती ना हम तुमसे बात करें, ऐसे कौन होगा? कृष्ण सह निज लीला नहीं सके, कृष्ण सह राधिकार लीला जे करा है। देखिए गोपियां के पास जब प्यारे श्याम सुंदर आते हैं तो गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, जब तुम आप राधा रानी से बात करते हैं, कृष्ण सह राधिकार लीला जे करा है, निज के लिए है ते ताहे कोटि सुख पर। हम लोग एक साधारण व्यक्ति भी खूब सुंदर मिल जाए तो मन प्रसन्न रहे, और श्री कृष्ण सौंदर्य की लीला कौन ऐसा, अरे पशु पक्षी कीट पतंग का भी मन करता है प्यारे समय बार, और सखियों के साथ साक्षात श्री कृष्ण की गोपियां बोलती नहीं। गोपियां कहती हैं प्यारे, जब आप प्रिया जी से बात करते हैं तो हम लोगों से बात करने में जितना सुख मिलता है उससे करोड़ गुना अधिक सुख हम लोगों को मिलता है जब आप श्याम प्रिया जी से बात करते। निज के लिए है ते ताहे कोटि सुख, ऐसा कोई होगा? खूब जब भगवान की पीताम्बर पकड़ जानते हैं भागवत में है कि जब भगवान मथुरा गए और मथुरा जाने के बाद भगवान कहे कि अब हम पंस मारने के लिए जा रहे हैं तो उनकी बीच सभा में पीताम्बर पकड़ और पकड़ कर कहने लगे आप हमसे बात, इसीलिए भागवत में सुखदेव जी कहते दुर्भगा उसको कहें। लेकिन ये कितनी ब्रज गोपियों की महिमा देखी, साक्षात रमारमण भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे रूप मंदिर थोड़ा मुझसे बात कर, हे तुलसी हे ललिता थोड़ा बात कर, लेकिन कहते ना ना हम आपसे बात नहीं, आप प्रिया जी से जो बात करते हैं ना उसे हमको बड़ा सकते बात करना है आपको, हाँ चलो हाथ पकड़ ले प्रिया जी। ये देखिए ये गोपी प्रेम की अवधि है, यही कहते हैं राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता। देखिए गोपियों की कितनी भारी महिमा, राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता और सखी गण होय तार पल्लव पुष्प। ये राधा रानी ही राधा रानी है, और राधा रानी मान लीजिए वृक्ष है तो पल्लव पुष्प पता अन्य सब सखियां, अर्थात प्रिया जी के अतिरिक्त इन लोगों का मन कहीं अन्यत्र जाता है। पत्ता है डाढ़ है ये सब क्या है तो वृक्ष की सौंदर्य, तो जितनी भी सखी मंजरियां हैं वे केवल प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए, उनका अपना सुख नहीं है। पत्ता है पेड़ में पत्ते लगते हैं, डाढ़ है पत्ता है, वो कोई पत्ता नहीं चाहता कि एक लोटा हमें पानी दे दो, चाहता है वो पत्ता कहता है हमको दे रहे मुझसे अच्छा जड़ में डालो, जड़ में डालोगे तो हम हरा भरा रहे, तो हम लोगों का जड़ कौन है? प्रिया जी। प्रिया जी प्रसन्न रहेंगी, प्रिया जी यदि प्रसन्न है तो ललिता प्रसन्न है, विशाखा प्रसन्न है, अरे सब सखियां प्रसन्न है, और प्रिया जी जब दुखी हैं तो सब अप्रसन्न है, इसीलिए प्यारे श्याम सुंदर से कहती है कि हे प्यारे आप प्रिया जी के पास कृष्ण संग राधिकार लीला जी कराए, निज के लिए है देता है कोटि सुख। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता, एक कृष्ण रूपी वृक्ष पर प्रिया जी लता की तरफ चढ़ती रहती, और सखी गुण होय तार पल्व पुष्प लता, और कृष्ण लीला मृत्यु यदि लता के सिंचन, और नीच से के हैते पल्लवादे कोटि सुख है। ये श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, प्रिया जी को प्रसन्न करना है, समस्त लोगों को प्रसन्न करना है, तुम्हारा ये है राधा कृष्ण की प्रेम के लिए, यही है। ब्रज में अनेक प्रेमी हैं लेकिन राधा के प्रेम की तुलना इस जगत में कोई कर ही नहीं। राधा रानी का जो सौंदर्य है, राधा रानी का जो सुख है, राधा रानी का जो भाव है, इससे यही पता लगता है कि अलौकिक वस्तु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रिया जी के विषय में,
यद्यपि किसी भी सखियों की इच्छा नहीं होती है कि हम श्री कृष्ण से बात करें, बात करते हैं किस लिए, तो प्रिया जी की पसंद है। तो एक ही लक्ष्य है, हम प्रिया जी को पसंद है। फिर भी राधा रानी जबरदस्ती प्यारे श्याम सुंदर को ललिता विशाखा के पास भेज, यद्यपि सखी कृष्ण संग में नहीं मर, यद्यपि ललिता जी सखियों को थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती है कि हम प्यारे श्याम सुंदर से स्वतंत्र रूप से मिले हैं, बात करें, लेकिन तथापि राधिका यत्न कराए संग, तथापि प्रिया जी जबरदस्ती प्यारे श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हैं कि आप ललिता सखी प्यारे से मिले। फिर भी एक नहीं बोलती, नाना छोले कृष्ण प्रेमी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग है ते कोटि सुख। गोपियां अपने सुख, अपने मिलन सुख से भी करोड़ गुना अधिक सुख प्रिया जी के साथ मिलते हैं। यही महाराज इसी को कहते हैं विशुद्ध कृष्ण प्रेम। ऐसा प्रेम इस तीनों जगत में कहीं देखने को नहीं मिलता है, कहीं भूमंडल में। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ करके प्रिया जी का अनन्य आश्रय प्यारे श्याम सुंदर लेते हैं, सखियों का आश्रय लेते हैं, ललिता विशाखा का लेते हैं। अन्योन विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्टास भार, प्रेम देखी कृष्ण हरे पुष्ट। हम लोग भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण तो भाई प्रसन्न कभी होंगे। कृष्ण को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है तो प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय यही है कि प्रिया जी को प्रसन्न करें। सहजे गोपी प्रेम नाहे प्राकृत काम, ये गोपियों का जो प्रेम है उसमें भूल कर भी ये मत समझना कि प्राकृत काम है। काम पीड़ा सामे ताम कही काम नाम, लेकिन भागवत में लिखा गया कामाद गोप्य। कभी कभी गोपियों को प्रेम का भी भागवत में काम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रेमय गोप रामायण काम इत्यगवत प्रथा। ऐसी प्रथा है कि गोपियों के विशिष्ट प्रेम को ही काम रूप से जाने। यदि भागवत में काम शब्द कहीं हुआ, कहीं प्रयोग आया है, तो यही समझना चाहिए कि ये काम नहीं है, प्रेम। क्योंकि गोपियों में काम के अतिरिक्त किसी प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, तो प्रेम को ही यहाँ पर काम रूप में कहा गया है। अब देखिए जिस हम लोग जहाँ हैं प्रिया जी की सेवा के लिए अन्यान ब्रज सुंदरियाँ चल रही हैं, तुलसी मंजरी रूप मंजरी साथ में चल रही है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, प्रिया जी की प्रसन्नता, प्रिया जी को खुश करना। अब देखिए भागवत में है यत्ते सुजात चरणा गुरहौस्तने सो भीतासने प्रिय दधि मै करकशेषु। देखिए कितना तत्सुख संतक तत्सुख सुखोत्तम का कितना उत्कर्ष हुआ, यहाँ तक कि यति सुजात चरणाम गुरहस्तनेषु। भगवान का चरण कमल कैसा है, तो गोपियाँ कहती हैं कि अभी अभी जो कमल का पुष्प प्रकट हुआ है, अभी सुजात, सुजात का अर्थ होता है कोमल कोमल पंखड़ियों से जो युक्त कमल है, वैसा आपका चरण कमल। और उस चरण कमल को आप वृंदावन में नंगे पैर जब चलते हैं, श्याम सुंदर चल रहे हैं नंगे पैर, तो उस पैर को गोपियां कहती हैं कि भीता सनई प्रिय दधि वही कर कशिश। हम लोग डरते डरते उस चरण कमल को अपने पयोधर पर रखती थी कि कहीं हमारा कठोर स्तन आपके कोमल चरण को कमल को कष्ट ना दे। आप ही बताइए हे प्रभु, वही चरण आप रात्रि के समय वो भी नंगे कंकड़ीली पथरीली जमीन में चल रहे हैं, इसको भला हम कैसे सहन कर सकते। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा, ऐसा हम लोग सहन कैसे कर पाएंगे जिसको हम लोग बहुत डरते डरते धीरे धीरे धारण करती थी, वे हमारे स्तन आपके कोमल चरण में कहीं लग न जाए, कहीं कष्ट न दे। तुम उन्हीं कोमल चरण के द्वारा रात दिन वन वन भ्रमण कर रहे हो, हे प्रभु आपके चरण कमल तिक्ष कंकड़ और कांटों से क्या
व्यतीत नहीं रहे होंगे। यह सोच करके हमारा चित्त विह्वल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। क्यों होता है? कि आप ही हमारे जीवन हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई सुख का केंद्र नहीं। देखिए ये गोपी भाव, गोपी भाव में केवल तत् सुखे सुखित्व, अपने प्यारे की प्रसन्नता ही, इसके अतिरिक्त और कोई चाह नहीं। जब गोपियों की इस अद्भुत प्रेम को भगवान श्री कृष्ण ने देखा, ऐसा विशुद्ध प्रेम देखा, तो भगवान के हृदय में लोभ जागृत हो गया कि इस रस का स्वादन मैं कैसे, श्री कृष्ण के मन में आया। शेरी गोपी भावामृत जार लोभ है, जिसको भी गोपी भाव की अनुगति है या गोपी भाव से प्रेम करना है, भक्ति करना है, गोपियों के अनुगत होकर यदि किसी को प्रेम करना है, भजन करना है, तो भाई देखिए वेद धर्म लोक त्यज से ही कृष्ण भजन, और सारा विधि निषेध से ऊपर उठ करके केवल उसका एक ही लक्ष्य है, अपने प्रेमी को प्रसन्न करना, बस और कोई नहीं, केवल अपने प्यारे को प्रसन्न करना। लौकिक वैदिक मर जाए दही सखी प्रीति पलक मांगो, सुंदरिया सारी मर्यादा को तोड़ दी कृष्ण प्रेम किया, लेकिन वेद विधि भी वेद विधि है। जब एक बार मर्यादा तोड़ रही है, देखिए प्रेमी लोग मर्यादा तोड़ते हैं तो मर्यादा उनको नहीं तोड़ता, वेद उनको नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इसका लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के ब्रजबालाएं अपने सारे बंधनों को तोड़ दी, तन धन जन सारे बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए चल दी, तो वेद उनके पीछे चल गया, वेद नहीं। कहते हैं रागानुग मार्गे तार भजे जय जन, जय जय श्री राधे। तो ये रागानुग का मार्ग से जो ठाकुर जी का भजन करता है, ब्रजे ब्रजे वही लोग महाराज ब्रजेंद्र नंदन को पा सकते हैं। ब्रजेंद्र नंदन को यदि पाना है तो गोपी भाव के, गोपियों के अनुगत होकर के उनकी आराधना करना। इसीलिए ब्रज लोके कौन भाव लैया से ही भजे, भाव जोग देह पाई कृष्ण भज पाए ब्रज। इसी के लिए महाराज यहाँ पर प्रमाण है कि ये सब ब्रजवालाएं सारे लौकिक वैदिक धर्म को तिलांजलि देकर के प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा कहीं है कि ये गोपियां सब कुछ छोड़ करके केवल उनका एक ही लक्ष्य था, अपने प्यारे को प्रसन्न रखना।